अर्निंग 1 महीने की कितनी हो जाती है, तो अप्रॉक्सीमेट उतनी ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ABC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं आपके आपके फेवरेट यूट्यूबर टीच हेल्पर हजीत के ओनर हजीत सिंह को, जो कि हमारे चैनल पर अपना कुछ इंटरव्यू, हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, जिनके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जानेंगे इनकी पूरी अर्निंग के बारे में और जानेंगे इनके फेवरेट यूट्यूबर्स के बारे में भी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा टीच हेल्पर हजीत का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल पर इंटरव्यू लेने का, हमको लेने का मौका दिया। तो संजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। हम सभी एक क्रिएटर है और मिलजुल कर जो है यूट्यूब पर काम करें, तो इसमें थैंक यू वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और थैंकफुल तो मैं हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर आके अपने बारे में बताने का, और जो भी आप मुझसे आज क्वेश्चन करेंगे तो उनका आपको जवाब जो है मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम जानेंगे इनके नाम के बारे में। सर, अपना नाम बताइए और आप रहते कहाँ पर और आपकी हेज क्या है। तो संजय भाई, सबसे पहले तो आप मेरा नाम जान लीजिए, जो कि है अजित सिंह गौर। मैं वैसे अपनी वीडियो में अपना नाम ऐड कर देता हूं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम है अजित सिंह गौर और मैं कानपुर में रहता हूं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जो मेरी एज है वो है 21 ईयर, तो मैं 21 साल का जो है हो गया हूँ, और इस साल जो है 22 साल का हो जाऊँगा। सर, दूसरा क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स की तरफ से है कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, और आपका यूट्यूब में करियर बनाने का आपने कैसे सोचा, और आपकी इंस्पिरेशन कौन है। और रही बात ये कि मैंने YouTube कैसे ज्वाइन किया, मेरा इंस्पिरेशन कौन है, तो यार YouTube पे मेरा कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है। मैं YouTube पर अपनी मर्ज़ी से आया था और अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा हूँ। अगर बात करें फेवरेट यूट्यूबर की, तो बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर हैं, जैसे कि कैरी मिनाटी, भुवन बाम, टेक्निकल गुरुजी। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं उनकी वीडियोज़ रेगुलर देखता हूँ। तो फेवरेट यूट्यूबर कई सारे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को देख कर यूट्यूब पर आया था। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी को देखकर किसी की नकल करने आए हो यूट्यूब पर, तो यार मत आओ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर यूट्यूब में अगर आपके पास कुछ हुनर है, आप कुछ अलग कर सकते हो, तो ही। सर, तीसरा क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर कोई बड़े यूट्यूबर की अर्निंग के बारे में जानना चाहता है। हम भी आपकी अर्निंग के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी 1 महीने की अर्निंग कितनी हो जाती है। तो भाई, जैसे कि आपने पूछा कि मेरी अर्निंग 1 महीने की कितनी हो जाती है, तो अप्रॉक्सीमेट उतनी ही अर्निंग होती है जितना कि थ्रेशोल्ड होता है यूट्यूब का। $1-2 कभी आगे कभी पीछे भी हो सकता है। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जो कि लास्ट 28 डेज का है, तो इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि मेरी जो अर्निंग है वो लगभग कितनी होती है हर महीने यूट्यूब से। सर, फोर्थ क्वेश्चन ये है, आपका चैनल ग्रो कैसे हुआ। और जैसे कि आपने पूछा कि मेरा चैनल ग्रो कैसे हुआ, तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप एक ही टॉपिक पर एक से ज़्यादा कई वीडियोस डालते रहते हो रेगुलर बेसिस पे, तो अचानक से आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है। और जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो करीब 6 महीने तक मेरी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई थी, और जो व्यूज़ थे वो 30, 35, 40 या फिर 50 ऐसे ही आते थे, जो कि मैं शेयर करके व्यूज़ जो है गेन करता था। फिर अचानक क्या हुआ, मैंने YouTube पर काफ़ी सर्च किया और देखा तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की कोई भी वीडियोस नहीं थी, और जो थी वो बिल्कुल प्रोफेशनल वे पे थी, यानी कोडिंग वगैरह से थी। तो कोडिंग वगैरह सबके बस में होता नहीं है करना, उसके लिए आपको लैंग्वेज वगैरह सीखनी पड़ती। तो मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे थंकेबल के बारे में पता चला, तो मैंने थंकेबल के ऊपर से वीडियो डालना शुरू किया, क्योंकि उसमें आप मोबाइल से एक एंड्रॉयड ऐप बना सकते थे काफ़ी अच्छा, उससे अर्निंग भी लोग कर रहे थे। तो मैंने उन पर जो है ट्यूटोरियल्स डालना शुरू किए, और मेरा जो समझाने का तरीका था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और अभी भी मैं अगर कोई हाउ टू वीडियो बनाता हूँ तो लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो यही वजह है कि मेरी वो वीडियोस वायरल होना शुरू हुई। और अगर आप मेरे चैनल के पॉपुलर सेक्शन पर जाकर देखोगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की ही वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, जो कि मेरी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही थी। उस वक्त जो है सब्सक्राइबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए थे, तो वही एक तरीका था जिससे, या फिर वही एक समय था जिससे मेरा चैनल जो है अचानक से ग्रो कर गया। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए ये है हमारे व्यूअर्स की तरफ से, आप अपने वीडियो की एडिटिंग किससे करते हो, अभी मोबाइल से करते हो कि लैपटॉप से करते हो।
तो भाई अगर बात करें वीडियो एडिटिंग की, तो यार वीडियो एडिटिंग आप किसी से भी कर सकते हो, चाहे आपके पास फ़ोन हो या फिर आप लैपटॉप से करना चाहो। वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम ही होता है। और मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादा कुछ एडिट नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो वीडियो है वो पूरी एक टेक में ही बन जाए। उसके बाद भी जो कुछ अगर वेस्ट पार्ट होता है तो मैं उसको अपने स्मार्टफोन से ही एडिटिंग करता हूँ। और जो एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ पावर डायरेक्टर। काइन मास्टर भी मैं कभी कभी यूज़ करता था, बट अब उसको इसलिए नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ DSLR से, और जो काइन मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी को गिरा देता है। इस वजह से मैं पावर डायरेक्टर यूज़ करता हूँ और बिल्कुल नॉर्मल सी एडिटिंग मैं करता हूँ, ज़्यादा कुछ मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको सभी क्वेश्चन मिल गए होंगे, आपके व्यूवर्स, आपके सब्सक्राइबर या फिर जो भी लोग मेरे बारे में कुछ जानना चाहते थे तो आपके चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे जो इन्वाइट किया अपने चैनल में आने का मौका दिया। तो आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियोज़ आप रेगुलर डालते रहिए, आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा। और तमाम वो लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो लोग यूट्यूब पर नए आए हैं, वो रेगुलर बेसिस पर अगर वीडियोज़ डालते हैं, अपना पूरा हार्डवर्क देते हैं, तो डेफिनेटली उनका चैनल भी ग्रो हो जाएगा। और बाकी व्यूअर्स से मैं यही बोलना चाहूँगी, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ साथ अगर आपने संजय भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम क्रिएटर्स जो है आगे बढ़ पाते हैं।